कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड किया जाए, आखिर कैसे लोग ऑनलाइन इतने सारे लोगों को लेके आते हैं नेटवर्किंग में, क्या ऑनलाइन भी नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड हो सकता है, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूँ और आपको मैं एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड कर सकते हैं और ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करने की क्या क्राइटेरियाज है। बहुत से लोग इस सोच में रहते हैं कि कहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मैं एलिजिबल भी हूं या नहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश झा है और आज मैं ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मिथ को तोड़ने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों बिल्ड करना चाहिए? सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या। तो इसके लिए आपको कुछ रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ही है। हम सब जानते हैं कि ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं उनके फायदे के बारे में, और जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट होता है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमिलरली ऑनलाइन भी आपको क्या करना है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को, आपकी जानकारी को लेके आप लोगों के सामने जाएंगे। लेकिन मजे की बात क्या है कि चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग आप पुराने तरीकों से करें, लेकिन एक सिद्धांत जो है वो हमेशा सेम रहता है। वो ये है कि लोग उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं या जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये सिद्धांत ऑनलाइन में भी लागू होगा। लोग आपके साथ बिजनेस तभी करेंगे जब वो आपको पसंद करेंगे या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आज हम इन तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बता देता हूं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जाननी ही चाहिए अगर आप नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये दो चीजें हैं। सबसे पहला, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप नए लोगों को लाना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉस्पेक्टिंग और दूसरा होता है मार्केटिंग। प्रॉस्पेक्टिंग में आप लोगों को अप्रोच करते हैं, आप लोगों को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए। मार्केटिंग में लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं और आपको खुद फोन करके पूछते हैं कि क्या है मुझे बताइए, या मैं भी इंटरेस्ट रखता हूं आपके साथ काम करने के लिए। हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे और जो मैं आज आपको या इस वीडियो में चीजें बताने वाला हूं वो हर सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लागू होगा। इसका ऐसा नहीं है कि ये केवल यूट्यूब पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल है उसमें आप इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या है वो चीजें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में। प्रॉस्पेक्टिंग में आप लोगों को अप्रोच करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही जैसे कि आप ट्रेडिशनली करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं तो आपको नए लोग चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब आप उनको अप्रोच करें तो सीधा कंपनी या प्रोडक्ट के साथ नहीं पिच करें, ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। कंपनी या प्रोडक्ट के साथ पिच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत मैसेज जाता है, आप सेल्समैन की तरह लगते हैं और हर व्यक्ति सेल्समैन को अपने आप से दूर भगाना चाहते हैं। आप अपना खुद का उदाहरण ले लें। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनसे पहले परमिशन लें, प्रॉस्पेक्टिंग में पूछें कि क्या वो वाकई में किसी नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, कि क्या वो वाकई में कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप उनको मैसेज ड्रॉप करें, पर्सनल मैसेज ड्रॉप करें। अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर आप अपनी कंपनी की जानकारी उनके साथ शेयर करें। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि आप दिन भर में 100 लोगों को अप्रोच करते हैं और 100 के 100 आपको जवाब दे दें, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग ऑनलाइन में क्या होता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे, वहां पे हर व्यक्ति हर समय मौजूद नहीं होता है। फिर कुछ के रिस्पांस लेट आएंगे, कुछ लोगों के हो सकता है आपको रिस्पांस ही ना आए, कुछ लोग देख के अनदेखा कर देंगे। तो इस चीज के लिए तैयार रहें। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आपके मैसेजेस का रिस्पांस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो भी करेंगे आप उनके साथ अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है ट्रेडिशनल तरीकों से बिजनेस करने के बजाय?
ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे 2, 4, 5, 10 लोग भी मिल जाते हैं, इनफ है आपके लिए एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अब इसके अलावा मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जहां लोग आपको अप्रोच करें, तो उस केस में दो चीजों का आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर एक, आप ऐसे क्यूरियोसिटी पोस्ट डाल सकते हैं, और दूसरा आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी पोस्ट में जहां पे आप लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनको समाधान के तौर पे बताएंगे कि आपके पास एक समाधान है, अगेन उस पोस्ट पे आप कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी शेयर नहीं करेंगे, वो एक क्यूरियोसिटी पोस्ट होगा, जिज्ञासा पैदा करेगा। और ज्यादा जानने के लिए आप उन्हें बोलेंगे कि आप वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे भी आप बात करना चाहें। और वीडियो पोस्ट में सिमिलरली आप कुछ वैल्यू शेयर करें लगातार अपने ऑडियंस के साथ में, एक कनेक्शन बनाएं जहां पे कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, जहां पे लोग आपको पसंद करें, और उसके बाद जब आप उनको किसी नए बिजनेस के बारे में बताएं तो वो एक्साइटेड हो आपके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। इस प्रकार से आप इन्हीं स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव चीजें ना बोले, नेगेटिव चीजें ना बोले, वो आपके लिए काम अच्छा नहीं करेगा, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा, कास्ट हो या रिलीजन हो या फिर पॉलिटिक्स हो, इसके बारे में बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो इसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। तीसरी चीज, अगर पोस्ट भी डालें तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और लगातार पोस्ट करते रहें आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रॉस्पेक्टिंग और मार्केटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके भी काम कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉस्पेक्टिंग करें और हफ्ते में 2-3 वीडियोस या फिर ऐसे पोस्ट आप डालें जिससे कि लोगों को लाभ मिल सकता है, लोग उसी को फॉलो करना चाहते हैं, लोग उसी को पसंद करते हैं जिनसे उनको कुछ सीखने को मिलता है या जो उनकी किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में सक्षम होते हैं। तो इस लॉजिक को समझे, बहुत ही सीधी सरल चीज है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अपने दिमाग से इस आइडिया को निकालें। अगर आप नए भी हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ या मेरे पास वो सफलता नहीं है जो कि मैं YouTube पे या फिर ऑनलाइन बिल्ड कर सकूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नए नए लोग भी बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं रहता आप नए हैं पुराने हैं, लोगों को इससे मतलब रहता है कि आपके माध्यम से वो कितना कुछ सीख पा रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है, अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट रहता है सीखने में, तो उसको सीखें और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करें। इससे आपके खुद की नॉलेज में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ लोग भी आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। यही है फॉर्मूला ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने का। मैं अपनी टीम में लोगों को लगातार सिखाता रहता हूँ कि कैसे वो ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिससे जिसको इस वीडियो से मदद मिल सकती है। थैंक यू।